24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर दागी 55 मिसाइलें, 12 लोगों की मौत, 35 इमारतें तबाह। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, 47 मिसाइलें मार गिराई। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का पाक को नोटिस, कहा पाकिस्तान की हरकतों ने हमें मजबूर किया, 90 दिन में चर्चा करें। कंगाल पाकिस्तान ने सांसदों का फंड बढ़ाया, जजों के घरों पर खर्च होंगे 100 करोड़, 300 रुपए प्रति लीटर हो सकती है पेट्रोल की कीमत। यूएस सेना ने आईएस सीनियर लीडर बिलाल को मार गिराया, 10 आतंकी भी मारे, अमेरिका बोला विदेशों में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत, दर्जनों घायल, मरने वालों में बुजुर्ग महिला भी शामिल, अस्पताल में बच्चों के वार्ड पर भी अटैक। दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार, चीन के गांव में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत पड़े कम, जापान 8 मई से कोरोना को नॉर्मल फ्लू मानेगा। जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग, राहुल बोले जिन्हें भीड़ संभालनी थी वे दिखे ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले गवर्नर, पीएम मोदी से अच्छे संबंध, भाजपा ने कार्यकारिणी में शामिल किया। परीक्षा पर चर्चा में क्रिकेट और गुगली का जिक्र, पीएम ने प्रेशर टालने का दिया मंत्र, दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। दिग्विजय के बाद राशिद अलवी बोले सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ, आतंकियों को पनाह देने वाले डीएसपी पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में गिरा पानी, हिमाचल में बर्फबारी से 263 सड़कें बंद, यूपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में कल से हो सकती है बारिश। चीनी बॉर्डर पर महिलाओं ने गाया ए वतन गीत, 11,000 फीट की ऊंचाई में तुमुतो, बॉर्डर पर आईटीबीपी जवानों के साथ फहराए तिरंगा। भारत की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, विश्व कप फाइनल में जगह बनाई, भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। शादी के बंधन में बंधे अक्षर पटेल, डाइटिशियन मीहा पटेल के साथ साथ फेरे लिए, क्रिकेटर ने जमकर डांस भी किया। सरफराज के सिलेक्शन पर बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने तोड़ी चुप्पी, कहा टीम में कॉम्पोजिशन और बैलेंस जरूरी, लेकिन सरफराज हमारे रडार में है।